ये साल का सबसे बड़ा सेल बिग बिलून डे एंड ग्रेट इंडियन फेस्टिवल सेल लाइव हो चुका है। इस सेल में अगर एक बेस्ट नेकबैंड बाय करना चाहते हो सो ये वीडियो आपको जरूर देखना चाहिए। देखो यार, और नेकबैंड ऐड करना चाहता तो ऐड कर सकता था बट मैंने नहीं किया। दोस्तों यहाँ पर मेरे पास जितना कलेक्शन है भाई इनफ है, मुझे नहीं लगता इसके अलावा तुम्हें दूसरा नेकबैंड देखना भी चाहिए। और हाँ, बजट को ध्यान में रखते हुए वीडियो के एंड में एक्स्ट्रा 3 नेकबैंड के बारे में बताऊंगा। ऑलरेडी मैं रिव्यू कर चुका हूँ, चाहो तो तुम ले सकते हो अंडर 1000 रुपीस में। तो यहाँ पर जितना भी नेकबैंड देख पा रहा हूँ मैं खुद बाय करके रिव्यू दे रहा हूँ ताकि आप लोग को एक रियल इन्फॉर्मेशन दे पाऊँ और भाई आप लोग एक सही प्रोडक्ट के ऊपर पैसा इन्वेस्ट करो। तो भैया मेरा इस मेहनत के लिए अपनी तरफ से एक लाइक और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कर देना। शेयर तो भैया बहुत लोग करते हैं इसलिए दिल से थैंक यू। और जो इस वीडियो को देख रहे हैं आप लोग भी जरूर से इस वीडियो को शेयर कर देना। सो नाउ लेट्स बिगिन विद टू रिव्यू। दोस्तों बिग बिलून डे एंड ग्रेट इंडियन फेस्टिवल सेल के लिए स्पीकर और ईयरबड्स के ऊपर वीडियो ऑलरेडी बना चुका हूँ, डिस्क्रिप्शन में सारे लिंक डाल दिया हूँ। अगर तुम्हें बेस्ट स्पीकर चाहिए, बेस्ट ईयरबड चाहिए, अपने बजट के अकॉर्डिंग जरूर चेक कर लेना। तो भैया आज की वीडियो को शुरू करते हैं। अंडर 1000 लिस्ट में सबसे पहला नेकबैंड की तरफ चलते हैं जो कि बोट की तरफ से आने वाली बोट रॉकर्स 255 प्रो। अनबॉक्स करने के बाद हमारा नेकबैंड कुछ इस तरह से देखने को मिल जाएगा, उलझा हुआ है, मैं काफी दिन से यूज कर रहा हूँ। नेकबैंड क्वालिटी काफी अच्छा है, सॉफ्ट भी है एंड फ्लेक्सिबल भी है। और यहाँ पर दोनों साइड में बोट का ब्रांडिंग देखने को मिल जाएगा। अगर आगे की तरफ देखें यहाँ पर कंट्रोलर देखने को मिल जाता है, 3 बटन दिया गए हैं, सब में सेम ही है। और यहाँ पर टाइप सी इंटरफेस देखने को मिलेगा चार्जिंग के लिए। और यहाँ पर बड्स देखने को मिल जाएगा, मेटेलिक है। और यहाँ पर मैग्नेट भी देखने को मिलता है। हुक सिस्टम में काफी प्रीमियम लगता है, एयर टिप चेंज कर सकते हो अगर एडजस्ट ना हो। देखो यार सही बता रहा हूँ, नेकबैंड बिल्ड क्वालिटी नेक्स्ट लेवल का है। सबसे पहले तो 60 ओवर का प्लेबैक टाइम देखने को मिल जाएगा, वन टाइम चार्ज पे 60 ओवर तुम म्यूजिक नॉनस्टॉप सुन सकते हो। साथ में एसी भी मिल जाएगा, 10 मिनट चार्ज पे 20 आवर तक म्यूजिक सुन सकते हो। IPX7 रेटिंग के साथ तो तुम्हारा नेकबैंड बारिश में रुकेगा नहीं। साथ में ब्लूटूथ वर्जन 5.2 देखने को मिल जाएगा तो कनेक्टिविटी के लिए कोई इशू नहीं होगा। गेमिंग के लिए अलग से बिल्ड मोड देखने को मिल जाएगा, स्मूथ गेमिंग कर सकते हो। अभी दोस्तों साउंड क्वालिटी एंड कॉल क्लियरिटी के बारे में बात किया जाए, दोस्तों मैंने जितना एक्सपीरियंस किया नो डाउट साउंड क्वालिटी जबरदस्त मिल जाएगा विद डीप बेस के साथ। क्लियरिटी बहुत ही जबरदस्त है, डिस्टर्शन बिल्कुल भी नहीं है। फुल साउंड देने के बाद इनफ साउंड मिल जाएगा, कॉल क्लियरिटी भी सही है। तो तुम सभी पर्पस के लिए यूज कर सकते हो, जैसे म्यूजिक सुनना, गेमिंग करना, ऑनलाइन वगैरह क्लासेस लेना, सभी पर्पस पे यूज कर पाओगे। मेरी तरफ से हाईली रिकमेंडेड है, एक जबरदस्त नेकबैंड है। दोस्तों अगर आपका बजट थोड़ा सा कम है लाइक 700-800 रुपीस, तो आपको अगर एक बेस्ट नेकबैंड चाहिए तो इस वीडियो को जरूर देख लेना। चलो अभी नेक्स्ट नेकबैंड की तरफ चलते हैं जो कि बोट की तरफ से आने वाली बोट रॉकर्स 235 प्रो। देखो यार इस लिस्ट में इस नेकबैंड को ऐड करना एक ही रीजन है, बहुत सारा कमेंट है, साथ में बहुत ज्यादा रिव्यू मिल जाएगा फ्लिपकार्ट में, तो ये लेना चाहिए या नहीं। सो फाइनली नेकबैंड हमारा कुछ इस तरह से पैकेजिंग देखने को मिल जाता है और इसको मैं काफी दिन से यूज कर रहा हूँ, थोड़ा सा उलझा हुआ है। दोस्तों नेकबैंड बिल्ड क्वालिटी बहुत ही जबरदस्त है और यहाँ पर फ्लेक्सिबल भी देखने को मिलता है। ईयरबड्स की वायरिंग एडजस्ट करने के लिए यहाँ पर क्लिप भी देखने को मिल जाता है। और दोस्तों यहाँ पर कंट्रोलर देखने को मिल जाएगा, साथ में 3 बटन दी गई है। राइट साइड में ज्यादा कुछ नहीं है, बोट का लोगो वगैरह देखने को मिल जाएगा। ईयरबड्स मेटेलिक है और यहाँ पर मैग्नेट देखने को मिलता है और ये हुक सिस्टम में काफी कूल लगता है। एयर टिप्स चेंज कर सकते हो अगर एडजस्ट ना हो तो। दोस्तों सबसे पहले तो 20 आवर का प्लेबैक टाइम देखने को मिल जाएगा, एएसपी सपोर्टेबल है, 10 मिनट चार्ज पे 10 आवर तक म्यूजिक सुन सकते हो, है ना कमाल का। ब्लूटूथ वर्जन 5.2, साथ में ड्यूल पेयरिंग सपोर्टेबल है और अलग से बीस्ट मोड भी देखने को मिल जाएगा, गेमिंग के लिए अच्छा रहेगा। ऑफ कोर्स 10mm का ड्राइवर भी देखने को मिल जाएगा। चलो अभी साउंड क्लियरिटी के बारे में बात किया जाए। दोस्तों मेरा जितना एक्सपीरियंस रहा इस नेकबैंड की साउंड क्वालिटी ठीक ठाक है, क्लियरिटी भी अच्छा खासा मिल जाएगा, डीप बेस भी सुनने को मिलता है। बट यहाँ पर एक कॉन्स देखने को मिलता है, फुल साउंड देने के बाद थोड़ा सा कान में चुभता है, बस इतना सा ही डिफरेंस है, बस इतना सा ही मुझे एक कॉन्स लगा। दोस्तों रिकमेंड करने से पहले मैं आप लोग को एक चीज बताना चाहूंगा, इस प्राइस रेंज में और भी बेटर नेकबैंड हमारे पास है, तो अगर इस वीडियो को पूरा देख लोगे डेफिनेटली सारी चीज समझ में आ जाएगा। दोस्तों मैं जितना चीजें के बारे में बात करता हूँ मेरे पास ऑलरेडी होता है, उस बेसिस पे मैं बात करता हूँ। दोस्तों ये नेकबैंड भी रिकमेंडेशन है बट इससे भी बेटर क्वालिटी हमारे पास नेकबैंड है। गाइस अभी नेक्स्ट नेकबैंड की तरफ चलते हैं जो कि आती है नॉइस की तरफ से, मॉडल नंबर है एयरवेव। अभी इस नेकबैंड को बिल्कुल भी मिस मत करना, बहुत ही सस्ता प्राइस में एक बेस्ट नेकबैंड मिल जाएगा। अनबॉक्स करने के बाद कुछ इस तरह से नेकबैंड देखने को मिल जाएगा, देखने में तो बहुत ही प्रीमियम लग रहा है, खोल के देखते हैं। दोस्तों मैं सही बता रहा हूँ, बिल्ड क्वालिटी बहुत ही जबरदस्त है, फ्लेक्सिबल भी यहाँ पर देखने को मिल जाता है। राइट साइड में कंट्रोलर देखने को मिल जाता है, मोड बटन, साउंड अप डाउन के लिए पावर बटन, ये सब देखने को मिल जाएगा। बट्स मेटेलिक देखने को मिल जाएगा, मैग्नेट भी दी गई है और यहाँ पर नॉइस का ब्रांडिंग देखने को मिल जाएगा। एयर टिप चेंज कर सकते हो अगर
एडजस्ट ना हो तो। सही बता रहा हूँ दोस्तों, इस नेकबैंड की बिल्ड क्वालिटी बहुत ही जबरदस्त है। सबसे पहले तो 50 अर्ज का प्लेबैक टाइम तुम्हें देखने को मिल जाएगा। एएसीबी सपोर्ट वाले 10 मिनट चार्ज पे 10 आवर तक म्यूजिक सुन सकते हो। साथ में 3 प्रीसेट इक्वलाइजर मोड देखने को मिल जाएगा। ऑफ कोर्स ये काफी अच्छे से काम करता है। 50 ms का लो लेटेंसी भी देखने को मिल जाएगा, गेमिंग के लिए बहुत ही अच्छा रहेगा। वाटर रेजिस्टेंस वगैरह देखने को मिल जाएगा। फाइनली 10 mm का ड्राइवर इसमें भी दी गई है। चलो अभी म्यूजिक एक्सपीरियंस के बारे में बात करता हूँ। दोस्तों अगर मैं सही बताऊँ, म्यूजिक क्वालिटी बहुत ही जबरदस्त है। विद डीप बेस के साथ क्लियरिटी बहुत अच्छा खासा मिल जाएगा, कॉलिंग भी बढ़िया हो जाता है। दोस्तों अगर तुम्हें ऐसा नेकबैंड चाहिए जिसे तुम 360 डिग्री पर्पस के लिए यूज कर पाओ, जैसे ऑनलाइन क्लासेस, म्यूजिक सुनने के लिए, गेमिंग के लिए, तो ये नेकबैंड बहुत ही जबरदस्त है। ऑफ कोर्स गाइस, इस नेकबैंड में साउंड क्लियरिटी बहुत ही जबरदस्त है, इनफ साउंड मिल जाएगा डीप बेस के साथ। तो भैया मैं हाईली रिकमेंड करता हूं, अगर तुम लेना चाहते हो डेफिनेटली तुम ले सकते हो। और इसका कंफर्टेबिलिटी तुम पूछो मैं, बहुत ज्यादा कंफर्टेबल है। अंडर 1000 लिस्ट का नंबर 4 नेकबैंड और ये मेरा फेवरेट है। और मॉडल नंबर है बोल्ट इक्यू चार्ज। गाइस अगर तुम 1000 rupees में एक बेस्ट नेकबैंड लेना चाहते हो ना, सो डेफिनेटली इसको ट्राई कर सकते हो। क्यों, मैं अभी बताता हूँ। खोलने के बाद यहाँ पर कुछ इस तरह से देखने को मिल जाएगा, पूरा बिखरा हुआ है क्योंकि मैं काफी दिन से यूज कर रहा हूँ। और मैं आप लोगों को पहले ही बता चुका हूँ, मैं पर्सनली यूज करता हूँ कुछ नेकबैंड। नेकबैंड बिल्ड क्वालिटी काफी अच्छा है, सॉफ्ट एंड फ्लेक्सिबल। लेफ्ट साइड में कंट्रोलर देखने को मिल जाएगा और यहाँ पर 3 बटन दिया गया है, साउंड अप डाउन के लिए, प्ले एंड पॉज, और टाइप सी इंटरफेस देखने को मिलेगा चार्जिंग के लिए। राइट साइड में बोल्ट का लोगो एंड ब्रांडिंग देखने को मिलता है, मैट फिनिश होने के कारण काफी प्रीमियम लगता है। फाइनली दोस्तों नेकबैंड कुछ इस तरह से देखने को मिल जाएगा। अगर मैं सही बताऊं तो इस नेकबैंड का बिल्ड क्वालिटी बहुत ही जबरदस्त है, साथ में लुक्स भी। अभी इस नेकबैंड में भर भर के फीचर्स मिल जाएगा और एक्चुअल में काम भी करता है। सबसे पहले तो 32 आवर का प्लेबैक टाइम तुम्हें देखने को मिल जाएगा। 5 मिनट चार से 7 मिनट तक म्यूजिक सुन सकते हो। और इसमें एक अच्छी बात, 14.2 mm का बेस बूमएक्स ड्राइवर मिलता है, तो तुम खुद ही बताओ म्यूजिक एक्सपीरियंस अच्छा कैसे नहीं होगा। साथ में भैया नॉइस कैंसलेशन भी मिल जाता है। चलो यहाँ पर अभी साउंड क्वालिटी के बारे में बात किया जाए, वैसे सारे फीचर में मिल जाते हैं जो बेसिक फीचर्स होना चाहिए। चलो अभी मेरा एक्सपीरियंस बताता हूँ साउंड क्वालिटी कैसा है। दोस्तों मैं सही बता रहा हूँ, एकदम अल्टीमेट लेवल का साउंड क्वालिटी मिल जाएगा, बहुत ही ज्यादा लाउड के साथ विद क्लियरिटी। और बेस के लिए तो तुम पूछो मत, खतरनाक वाली डीप बेस मिल जाएगा इस नेकबैंड में। अगर तुम सभी पर्पस के लिए एक नेकबैंड लेना चाहते हो, सो डेफिनेटली इसको ट्राई कर सकते हो। स्पेशली मैं म्यूजिक सुनने के लिए बात कर रहा हूँ। तो भैया अगर अंडर 1000 में एक नेक्स्ट लेवल की नेकबैंड लेना चाहते हो, सो डेफिनेटली मैं हाईली रिकमेंड करता हूँ इस मॉडल को जरूर ट्राई करना। भाई अभी कमेंट करने की कोई जरूरत नहीं है, म्यूजिक सुनने के बाद ही कमेंट करना कैसा लगता है। दोस्तों बजट को ध्यान में रखते हुए और एक नेकबैंड के बारे में बताना चाहूंगा। अगर तुम्हारा बजट बहुत ही ज्यादा कम है, लाइक 500-400 rupees, इस नेकबैंड को जरूर ट्राई करना। इसका साउंड क्वालिटी, बेस क्वालिटी बहुत ही जबरदस्त है, बट प्राइस को नजर रखते हुए तो इसके ऊपर भी थोड़ा सा बात कर लेते हैं। तो इस नेकबैंड का इंटरफेस कुछ इस तरह से देखने को मिल जाएगा और ये काफी फ्लेक्सिबल है और बिल्ड क्वालिटी भी खराब नहीं है, बहुत ही अच्छा बिल्ड क्वालिटी है, प्राइस की प्रोस्पेक्टिव से बहुत ही अच्छा है। तो यहाँ पर सारे कंट्रोलर वगैरह देखने को मिल जाएगा, वैसे फीचर्स वगैरह भी खराब नहीं दिया। ब्लूटूथ वर्जन 5.0, IPX4 रेटिंग के साथ, वॉइस असिस्टेंट वगैरह सारी चीज मिल जाएगा, ड्यूल पेयरिंग के साथ, और फाइनली 48 आवर्स का प्लेबैक टाइम तुम्हें देखने को मिल जाएगा। 5 मिनट चार्ज पे 7 मिनट तक म्यूजिक सुन सकते हो। तो अभी म्यूजिक क्वालिटी के बारे में बात करते हैं। म्यूजिक क्वालिटी भी ठीक ठाक है, डीप बेस मिल जाएगा, क्लियरिटी भी अच्छा है। और इस नेकबैंड में एक कॉन्स तो है, फुल साउंड देने के बाद थोड़ा सा कान में चुभता है, बट डिस्टर्शन तो नहीं है। एक चीज मैं बताना चाहूंगा, 80% वॉल्यूम पे बढ़िया म्यूजिक एक्सपीरियंस कर सकते हो। तो भैया इस नेकबैंड को भी रिकमेंड करता हूँ, अगर तुम्हारा बजट बहुत ही कम है ले सकते हो, बहुत ही अच्छा नेकबैंड है। दोस्तों 500 rupees में और एक नेकबैंड रिकमेंड करता हूँ, अगर तुम्हारा बजट बहुत ही कम है तो पीटर्न्स का ये नेकबैंड ले सकते हो, बहुत ही जबरदस्त साउंड क्वालिटी है। दोस्तों शुरू में एक्स्ट्रा 3 नेकबैंड के बारे में बताऊंगा बोला था, तो यहाँ पर सारे मॉडल नंबर दिया गया है और डिस्क्रिप्शन में भी लिंक दिया गया है। तो तुम अगर लेना चाहते हो, बहुत ही बढ़िया नेकबैंड है, और इन तीनों नेकबैंड को भी तुम चूज कर सकते हो। तो भैया इस वीडियो में इतना ही है। अगर इस वीडियो से आप लोगों को थोड़ा सा भी वैल्यू मिली है, डेफिनेटली इस वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करना, ताकि आपके तरफ से भी मुझे थोड़ा सा हेल्प मिल जाए। तो भैया इस वीडियो से जो भी नेकबैंड आप लोगों को पसंद आया, सबसे लोएस्ट बाय लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो फटाफट जाके बाय कर लो भाई। इस सेल में नेकबैंड मिस नहीं होना चाहिए।